आज हमारे किचन में बन रहा है अरबी गोश्त। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया पाउडर, जीरा, लौंग है इसके अंदर, काली मिर्च है, और एक मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ते, मीट मसाला, हल्दी, नमक और मिर्च। इसके अलावा जाएगा साथ में प्याज जो मैंने स्लाइस्ड करके रख लिया है। साथ में हमारी अरबी, इसे मैंने धोकर काट लिया है, जो मोटी अरबी थी उसके डबल पीसेस कर लिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा मीट, इसे भी मैंने वॉश कर लिया है। साथ में जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकर में जाएगा ऑयल, जाएगा इसके अंदर ये गरम मसाला। अब इसमें जाएगा स्लाइस्ड अनियन, इसे हम सॉटे कर लेंगे। ये हमारी अनियन जो है वो ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें मीट ऐड करेंगे। और इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे, इससे जो मीट के अंदर स्मेल आती है वो निकल जाएगी। अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड करेंगे। मैं हल्दी जो है मीट में कम ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे जो है मीट का कलर बहुत येलोइश हो जाता है। ये हमारा मसाला कुक हो रहा है। इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे 90% तक कुक कर लेंगे। अब हम इसकी लिड लगाएंगे और इसे 90% कुक होने तक पका लेंगे। अब हम कुकर की लिड खोलेंगे और ये देखिए हमारा मीट जो है वो गल चुका है 90% लगभग। अब हम इसके अंदर अपनी अरबी ऐड कर देंगे। अब जाएगा इसके अंदर पानी और इसे हम 2 सीटी और लगा लेंगे। इस स्टेज पर आकर आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो साथ में नमक भी ऐड कर दीजिए। बस अब हम इसे लिड लगा के 2 विसिल और लगाएंगे। 2 विसिल आ चुकी हैं और पूरी हमारी विसिल निकल गई है। अब हम जो है वो कुकर खोलेंगे। बस अब हमें देखना है कि हमारी अरबी जो है वो अच्छी तरीके से गल गई है या नहीं। ये हमने अरबी ली है और देखिए कितनी सॉफ्टली अरबी जो है वो गल चुकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।